आखिर क्यों बंद हो रहा है एकता कपूर का ये पॉपुलर सुपर नेचुरल शो। चंद महीनों में शो हो रहा है ऑफ एयर, उसकी है ये बड़ी वजह। तो फिर चलिए आपको बताते हैं कि क्या है वो बड़ी वजह जिसके चलते बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट शालीन भानोट को लगा है बड़ा झटका। तो इस वीडियो को कीजिए मैक्सिमम लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए देख तमाशा टीवी का। इन दिनों एकता कपूर के दो बड़े सुपर नेचुरल शो बंद होने की कगार पर हैं। एक तो नागिन सीजन 6 जो अपने अंतिम समय पे बंद हो चुका है। ऑफर होने के बाद से ही नागिन सीजन 7 की भी होड़ मच गई है। लेकिन इसी बीच शालीन भानोट और ईशा सिंह स्टारर बेकाबू को भी बड़ा झटका लगा है। बेकाबू शो को टेलीविजन से ऑफर कर दिया गया है। वेल आपको बता दें 9 जुलाई को इस शो का आखिरी एपिसोड टेलीकास्ट हुआ था। लेकिन क्या वो बड़ी वजह है जिसके चलते एकता कपूर के इस शो जो कि चंद महीने ही हुए हैं ऑन एयर के और ये शो अब हो रहा है ऑफर। अगर आप भी इस शो के फैन हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। शो फिलहाल के लिए कम्प्लीटली ऑफर नहीं हुआ है। शो को शिफ्ट किया गया है जियो सिनेमा के प्लेटफॉर्म पे। वेल क्या है इसकी बड़ी वजह, तो इसके हैं कुछ बड़े राज आपको बता। कलर्स टीवी अपने चैनल पे कई सारे रिवैम्प कर रहा है, कई सारे नए शो लॉन्च कर रहा है। सबसे बड़ा शो है रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 13। इसी महीने से खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 ऑन एयर हो रहा है और कई सारे और भी कलर्स नए नए शो लेके आ रहा है। लेकिन खतरों के खिलाड़ी ऑफर होने के पहले से ही ये कयास लगाया जा रहा था कि ये शो नागिन सीजन 6 को ऑफर करेगा। लेकिन इसके बाद शालीन भानोट को एक तगड़ा झटका लगा जब ये पता चला कि बेकाबू शो भी ऑफर होने जा रहा है। और इसकी एक बड़ी वजह बताई गई टीआरपी। जिस तरीके से शालीन भानोट की बैरक की टीआरपी में गिरती गई है, यही वो बड़ी वजह है कि बैरक टीआरपी रेटिंग एकता कपूर को उतनी नहीं मिल रही है जितना कि चाहिए। लेकिन जब ये देखा गया कि इस शो की ऑफर की बात सामने आई, शालीन भानोट ने साफ किया कि जी हाँ मैं 9 जुलाई के बाद ब्रेक पर जाने के लिए तैयार था। लेकिन मुझे ये बताया गया कि ये शो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है और अब इस शो को जियो सिनेमा पर शिफ्ट किया जाएगा। तो जियो सिनेमा पर शिफ्ट होने के बाद शालीन भानोट ने कहा मैं बहुत खुश हूँ कि फिलहाल ये शो टेलीविजन के दर्शकों के लिए नहीं है, लेकिन हाँ ये शो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है और अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑनलाइन ऑडियंस के लिए इस शो को हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। इस पर बात करते हुए ईशा सिंह ने कहा कि जी हाँ बिल्कुल सही बात है, मेकर्स ने ये प्लानिंग किया है, हम बहुत खुश हैं कि ये शो ऑफर नहीं हो रहा है, शो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो रहा है। अब दो प्लेटफॉर्म होने से एक्टर्स को और चैनल को बहुत बड़े फ़ायदे होते हैं। कई बार आपका शो डायरेक्ट टीआरपी रेटिंग में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, लेकिन अगर उसकी ऑनलाइन टीआरपी रेटिंग देखी जाए जैसा कि हमारे शो की है, वो ऑनलाइन में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ। फिलहाल के लिए बेकाबू शो के फैंस के लिए एक बुरी खबर है, तो साथ ही साथ एक अच्छी खबर भी है कि ये शो फिलहाल के लिए कम्प्लीटली ऑफर नहीं किया जा रहा है। आप बताना कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन कि क्या वाकई इस शो को आगे और भी टेलीविजन पर एक्सटेंड करना चाहिए था या आप मानते हो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट करना काफ़ी अच्छा है। और इसके साथ साथ ही अब और भी कई सारे नए शो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट होंगे, लिखिएगा ज़रूर, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन एकता कपूर और चैनल के इस शो के डिसीजन पे। और इस तरीके के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब।